नमस्कार साथियों, फेसबुक लाइव पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है थॉट मैनेजमेंट। क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप बताएंगे, कैसा सोचते हैं आप, आपकी सोच आपके जज्बात आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करते हैं। जज्बातों का, भावनाओं का, सोच का क्या महत्व है आपके जीवन में? क्या आपकी भावनाएं, आपकी सोच आपकी सफलता की कुंजी है? क्या आपके थॉट्स आपको नेगेटिव बनाते हैं? क्या आपके थॉट्स आपको पॉजिटिव बनाते हैं? क्या आपके थॉट्स आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपके थॉट्स आपके लिए परेशानी का एक सबब बनते हैं? क्या आपके थॉट्स आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो आज के सेशन में आपको अपने से करने हैं। देखिए साथियों, जो विषय है थॉट मैनेजमेंट, इसका अर्थ है, थॉट मैनेजमेंट का अर्थ है कैसे हम अपने विचारों को मैनेज करें। विचारों का मैनेजमेंट, भावनाओं का मैनेजमेंट। आपको स्मरण होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंस विषय पर एक सेशन दिया था और मैंने वहां बताया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कि आप ये जाने, आप ये पहचाने कि आप अपने इमोशंस को कैसे समझें और औरों के इमोशंस को कैसे समझें, उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज हम विचारों की बात कर रहे हैं, विचारों को हम कैसे कंट्रोल करें, विचारों को हम कैसे मैनेज करें, थॉट्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करें, ट्रांसलेट करें एक्शन में। ये तमाम बातें हैं जो आपके जहन में चलती होंगी और ये तमाम बातें हैं जिनमें आप अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं अपने विचारों के साथ। इन विचारों को हम कैसे मैनेज करें, अब यहाँ दो बातें हैं, आपके विचार मैनेज करना और दूसरों के विचारों को मैनेज करना, दोनों ही बातें। खुद के विचारों को भी मैनेज करना होता है और दूसरों के विचारों को भी मैनेज करना होता है। आपका सेल्फ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आंधी आपको आधा कर देगी, ये आपका नजरिया है। आंधी आपको तोड़ देगी, ये आपका नजरिया है। खींचड़ में मैं फंस जाऊंगा, ये आपका नजरिया है, ये आपका थॉट है। इस काम को करने से, इस बात को कहने से हम मैनेज करें, विचारों को हम कैसे मैनेज करें, इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें आज बताऊंगा। सबसे मुख्य बात यह है कि हम जो सोचते हैं, पहले हम थिंकिंग पे आएंगे, फिर थिंकिंग से फॉर्मुलेशन होता है थॉट्स का। पहले हमारी थिंकिंग बनती है और उस थिंकिंग से हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। थिंकिंग और थॉट्स के दरमियान जो फर्क है वो कुछ इस तरीके का फर्क है कि जब आप एक माइंडसेट से कुछ विचारों की उत्पत्ति करते हैं तो वो माइंडसेट तो आपकी थिंकिंग है और जो विचारों की उत्पत्ति है वो आपके थॉट्स हैं। आप अलग अलग बातें करते हैं, मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। उसको मैनेज कैसे करेंगे उसकी तो बात हम करने ही है, हमें तो हम करने ही वाले हैं। सबसे पहला मैटर आता है कि कैसे हमारा माइंडसेट बनता है।
उसको हम देखते हैं, उसको समझते हैं उदाहरण से, फिर उसके बाद हमारे विचार उसके हिसाब से बनते चले जाते हैं। तो थिंकिंग यानी सोच हम कैसे डेवलप करते हैं उसका एक नमूना, उसका एक उदाहरण आपको मैं रखता हूं। आप कोई काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, जब उसमें असफल आप हो जाते हैं तो आपकी थिंकिंग डेवलप होती है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। साथ ही थिंकिंग ये भी हो सकती है कि मैं हार गया हूं, कोई बात नहीं, अब जीत जाऊंगा, एक बार और ट्राई करता हूं। तो ये दो लेवल हैं थिंकिंग के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉइंट इज हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग होगी तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो हम यहां पर यही सोचें कि चलिए कोई बात नहीं, हार गए तो डज नॉट मैटर, अभी तो जिंदगी बची है और काम करना है, एक बार एफर्ट किया है दूसरी बार फिर करेंगे, तीसरी बार फिर करेंगे, आज असफलता है कल सफलता मिल जाएगी, ये सोच जो है, ये थिंकिंग जो है, ये कैसे आए, ये एक मुख्य बात है। और इसके लिए साथियों ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें जीवन के बारे में और जीवन किस तरीके से चलता है, जीवन हमें कैसे कैसे रास्ते दिखाता है, जीवन दर्शन क्या है, ये जानना जरूरी है। हमारी सोच को सिर्फ हम बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, ये भी फैक्ट है। दूसरे हमें बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, मैं अपने विचारों का क्रिएटर हूं, मेरे विचार मेरे हैं, किसी और के नहीं है। सिचुएशन से, हालात से विचारों का नेगेटिव या पॉजिटिव होने का कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। मैं आपको उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यहां मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक व्यक्ति गरीब परिवार में स्ट्रेस के माहौल में पला, नेगेटिव इमोशंस का उसने सामना किया, खाने को नहीं था, ढंग से पहनने को नहीं था, लोगों की नेगेटिव बातें थी, जीवन में कठोरता थी, और इस लाइफ को गुजार कर वो एक आईएएस ऑफिसर बना। वो आईएएस ऑफिसर बना सिचुएशंस की वजह से नहीं, सिचुएशंस तो उसके फेवर में थी ही नहीं, सिचुएशंस तो उससे ये कह रही थी कि कमजोर हो जाओ। अगर सिचुएशंस का मसला यहां पर होता तो वो ऑफ ट्रैक हो सकता था, लेकिन उसने अपने विचारों को खुद बनाया। हम अपने विचारों को स्वतः बनाते हैं, हमारी थिंकिंग जैसी होती है हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं, और उस सिचुएशन में वो व्यक्ति जब आईएएस ऑफिसर बना तो इट वॉज ड्यू टू हिज लेवल ऑफ थिंकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि सिचुएशन हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सिचुएशन ही हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी थिंकिंग हमारे कंट्रोल में होती है। जिस व्यक्ति ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी लाइफ को भी
एक दिशा और एक सही दशा दोनों प्राप्त हो सकती है। अब हम ये थिंकिंग जो डेवलप करते हैं, विचारों को कैसे हैंडल करें, ये तो एक मसला है कि बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पहले एस्पेक्ट की, हमारी थिंकिंग की, कि हम इस थिंकिंग को कैसे डेवलप करें, इस थिंकिंग को कैसे बनाएं, इस थिंकिंग को कैसे लाएं, इस थिंकिंग को कैसे इजाद करें, कैसे अपना एक माइंडसेट क्रिएट करें। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी लाइफ को, अपने जीवन के जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा लोगों से रिलेशन, हमारा जीने का ढंग, हमारी जिंदगी हम कैसे गुजार रहे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में हैं तो हमारे अच्छे विचार बनेंगे, हमारा नॉलेज अच्छे लेवल का है तो हमारे अंदर अच्छी थिंकिंग डेवलप होगी। अगर हम अच्छा एक्सपोजर रखते हैं तो हमें लाइफ में सेंस क्रिएट होगा, हमें पता लगेगा क्या गलत है क्या सही है, विचारों को हम जान पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। साथियों, यहां पर मुख्य बात यह हो जाती है कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, सकारात्मक भाव हमारे अंदर पैदा हो, सकारात्मक सोच हमारे अंदर पैदा हो। और जब ये सकारात्मक सोच हमारे अंदर पैदा हो जाती है, सकारात्मक आने लग जाते हैं, फिर हम सकारात्मक विचार जब हमारे आते हैं तो हम उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर लेते हैं। हालांकि नकारात्मक विचार भी आएंगे, उनकी भी हम बात करेंगे, बट मैं पहले पॉजिटिविटी की बात करना चाहता हूं, सकारात्मक विचारों की बात करना चाहता हूं, सकारात्मक थिंकिंग की बात करना चाहता हूं। मुख्य बात यह है कि यह साइकोलॉजी कहती है, मेरा ही कहना नहीं है, साइकोलॉजी भी कहती है कि हम यदि अपने आप से बार बार ये कहेंगे कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम नॉट गोइंग टू बी डीमोटिवेटेड, आई एम नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल, तो हम बहुत हद तक स्ट्रेस को खत्म तो नहीं, लेकिन हाँ उसके मुकाबले के लिए तैयार हो सकते हैं। हम पॉजिटिव वाइब्स को जनरेट कर सकते हैं। हमें चाहे कितना भी माहौल खराब क्यों ना मिले बाहर से, हमें अंदर से अपनी साइकी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये एक फॉर्मूला हमें यूज करना होगा, ये मंत्रा हमें यूज करना, अपने आप से हमें कहना पड़ेगा कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेस फील नहीं करूंगा, आएगा स्ट्रेस, खत्म नहीं हो सकता, लेकिन एक सेंस डेवलप जरूर होगा, एक सोच जरूर बनेगी कि हाँ ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता, नेगेटिव वाइब मैं अपने अंदर नहीं ला सकता। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपने को नेगेटिव थिंकिंग से बाहर ले जाने के लिए। हमें अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और कार्यशैली जब हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कई मर्तबा जब आप लोग मूवी देखते होंगे तो मूवी देखने के बाद किसी सीन को आपने देखा और आंखों में से आंसू आने लग गए, कैरेक्टर जो पेन फील कर रहा है वो आपके अंदर आने लगा, ये जो बात है
जो बाहर से नहीं मिल रहा हमें, बाहर से केवल एक हमें फोर्स मिली है, उस फोर्स से हमने इसको बनाया है। अगर ये बाहर से मिला होता तो एक दूसरा व्यक्ति तो इस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है, आप रो रहे हो दूसरा रो ही नहीं रहा है। इट इज द मैटर ऑफ क्रिएटिंग द एनवायरमेंट व्हाई इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू हैव पॉजिटिव थॉट्स ऑन। वो इसलिए डिफिकल्ट है अंजलि। हाँ, मैं अंजलि ने क्वेश्चन पूछा है, मैं ये बताना भूल गया, इस टॉपिक को सजेस्ट अंजलि ने किया था, तो अंजलि आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा विषय रखा और मुझे सजेस्ट किया कि इस विषय पे मैं बात करूँ। तो बिकॉज ऑफ अंजलि ये टॉपिक आज यहाँ सेशन के लिए रखा गया है। तो अंजलि, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ ब्यूटिफुल टॉपिक, थॉट मैनेजमेंट। तो आपका क्वेश्चन है कि हम डिफिकल्ट क्यों है पॉजिटिव थॉट्स को रखना। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हमने इसको डिफिकल्ट बनाया है, हमने इसको डिफिकल्ट बनाया है। असंख्य उदाहरण मैं आपको रख सकता हूं जिनमें हम गलत होते हैं, और जब हम गलत होते हैं तो गलत सोचने लग जाते हैं, हमारे पास नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको रखता हूं एक एक करके एग्जाम्पल। आज आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर आप पे नाराज हो गए, माना आपकी गलती नहीं थी लेकिन उन्हें लगा आप गलत हो, वो आप पर गुस्से में आ गए, आपसे बहुत कुछ कहने लगे। अब जब वो बहुत कुछ कहने लगे तो आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब, और जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आपके अंदर नेगेटिव वाइब जो है वो आ गई। अब देखिए कैसे काम खराब होता है, जब आप नेगेटिव हो गए तो अब आपके पास कोई भी बंदा बाद में आएगा तो आप उसको नेगेटिव कर दोगे, यू नो बॉस बड़ा ऐसा है, ये है वो है, जबकि वो दूसरे से बात की और दूसरे को नेगेटिव किया, उसने अपनी नेगेटिविटी फिर आपसे शेयर करना शुरू करी और आप अब आपकी नेगेटिविटी का लेवल और हाई हो गया। मतलब अभी आप एक्स थे तो उस लेवल से ऊपर आ गए, अभी तो आप ही नेगेटिव थे, अब आपने जब वो नेगेटिविटी किसी दूसरे के सामने रखी यानी उसकी बात को ना समझ के उस नेगेटिविटी को उसको एक्सपोज किया तो वो वाइब्रेशन दूसरे ने कैच की और अब वो एम्पावर्ड होकर के वो भी नेगेटिव बातें करने लग गया। सी दिस व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग। अब आप जहां जा रहे हैं सही बात भी नेगेटिव लग रही है, हर चीज नेगेटिव लग रही है। तो एक नेगेटिव थिंकिंग ने आपके थॉट्स नेगेटिव बनाए, अरे वो तो बॉस ऐसा ही है, उसके साथ तो कोई काम ही नहीं कर सकता, और वो तो कुछ जानता ही नहीं है, उसे तो डांटने के अलावा कोई काम ही नहीं है, स्टूपिडिटी बना रखी है पूरी, आई एम नॉट एबल टू कंसेंट्रेट, देयर इज दैट सो मेनी थॉट्स, एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। फिर उसको जब आप दूसरों से शेयर कर रहे हैं तो दूसरे उसमें इजाफा कर रहे हैं, कुछ और जोड़ रहे हैं, तो वो थॉट्स का एक बहुत बड़ा उबार बन करके आ जा रहा है, यू आर कंप्लीटली नेगेटिव नाउ। अब यहां आपको क्या करना चाहिए, मैं एक 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 थॉट से ही आपको ये चीज समझा। बॉस ने आपसे बहुत सारी बातें कही, लेट अस एक्सपेरिमेंट दिस सिचुएशन इन दिस वे, कि एक थॉट जो है वो आपको बहुत ज्यादा हिट किया बॉस का, और वो थॉट ये है, यू आर गुड फॉर नथिंग, आप यूजलेस हो, राइट। बॉस ने नेगेटिव ये स्पार्क, ये नेगेटिव वाइब आपको दी, नेगेटिव थॉट दिया, You are good for nothing. Immediately, आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना होता, रिस्पॉन्ड करना होता है। आप इमीडिएटली अपने आप से एक सवाल पूछें उस वक्त। मैं मानता हूं कि एग्रेशन में एकदम से सोच नहीं पाते, लेकिन ये थिंकिंग डेवलप करनी होगी। जब आप अपने आप से बार बार ये बात कहेंगे, सुबह उठकर एक मंत्र का जाप करेंगे कि मुझे
नेगेटिव सिचुएशंस को सेंसिबली हैंडल करना है, तो ये सेंस आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही बॉस ने आपसे कहा यू आर गुड फॉर नथिंग, उस सेंस जो आपने डेवलप किया है मंत्र का उच्चारण करके, उस सेंस ने आपको एक सवाल आपके सामने रख दिया, और वो सवाल ये है, क्या मैं इस स्टेटमेंट के लायक हूं एक्चुअल सेंस में। बॉस ने कहा यू आर गुड फॉर नथिंग, तो अब मेरा ये कहना है कि इफ यू आर गुड फॉर नथिंग तो आप वहां पर नौकरी कैसे कर रहे हो? नौकरी तो जब ही कर रहे होगे ना जब आप कुछ कैलिबर आप में है। अगर आपने वो जॉब ली है तो इसका मतलब यू हैव सम सब्सटेंस एंड योर बॉस ऑल्सो नोज दैट। आपके बॉस को भी उसका इल्म है, उसकी जानकारी है। तो ऐसा तो नहीं है ना यू आर गुड फॉर नथिंग ये एक्चुअल में है, नहीं है। एंड योर बॉस ऑल्सो नोज दिस, योर बॉस ऑल्सो नोज दिस, you also know this, people around you also know this, and आप वहां काम कर रहे हो तो that means you have proved your worth, इसलिए आप वहां पर हो। बोला क्यों होते? तो आपको फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि it is the urge of the situation, it is the force of the situation, ये एक हालात ऐसा आ गया है, सिचुएशन ऐसी आ गई है, इसलिए बॉस इज डूइंग लाइक दिस। अभी थोड़ी देर बाद या अगले दिन थिंग्स वुड चेंज, वो स्ट्रेस आपको ट्रांसफर हो रहा है जो सही सिचुएशन नहीं है। इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन, क्योंकि जब हम अपना स्ट्रेस दूसरों को देने की कोशिश करते हैं तो वो मल्टीप्लाइड होकर हम पर वापस आ जाता है। मैंने आपको भी बताया भी था कि जब आप नेगेटिव होते हैं और आप किसी से नेगेटिव बात करते हैं तो वो नेगेटिव होकर आपको जो भी रिस्पांस देता है या रिएक्शन करता है वो आप में आपकी नेगेटिविटी को मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा देता है। सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू बी सेंसिबल एनफ टू अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताइए, आज का दिन मेरे लिए खराब है तो क्या कल का भी होगा? नहीं, आज खराब है, कल हो सकता है अच्छा हो जाए। 10 दिन मेरे लिए खराब है तो क्या पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये सोच हमें बल देती है, ये सोच हमें आगे बढ़ाती है, ये सोच हमारे अंदर एक सेंस डेवलप करती है। सर समडे प्लीज स्पीक ऑन हाउ टू रिड्यूस ओवरथिंकिंग, मैं इस पर भी बात करूंगा। ओवरथिंकिंग की बात अलग से करना तो एक है, ओवरथिंकिंग इसी का पार्ट है, हम थॉट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना तो इसी के ऊपर है, मैं उस पर आऊंगा। नावेद जी ये सवाल आप दोबारा करिएगा, अभी हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा इस सवाल को कीजिएगा ओवरथिंकिंग की जो बात कर रहे हैं आप। अब मसला ये है कि ये सेंस जो डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं ये हमारे अंदर काफी हद तक कंट्रोल में हो जाएगा अगर हम इस मंत्र का जाप करते रहेंगे कि मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, माई बिलीव्स, ये है बात। अब सोचिए, असंख्य उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को सबसे ज्यादा क्वालिफाई किस स्टेट के लोग करते हैं? बिहार के। और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है तो किसने क्रिएट किया इसे? एनवायरनमेंट जो बाहर है? नहीं, हमारे अंदर जो चीजें हैं ये सब उसी का रिजल्ट है, उसी का आउटकम। हम जैसा अंदर से अपने को बना लेंगे वैसा हम बन जाएंगे। अब बात यह आती है कि ठीक है सर, हम मान लेते हैं आपकी बात को कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी करेंगे, बहुत सारी अच्छी चीजें हम करेंगे,
और हम अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करेंगे, सब चीज़ ओके हो गई। लेकिन क्या उसके बाद भी हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि नेगेटिव वाइब्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी? नहीं होगी। 100% पॉजिटिव कोई नहीं हो सकता। लाइफ में जो चेंज करना है, केवल इस मंत्रा से लाइफ चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी। कई बार केवल मंत्रा काम नहीं करेगा, केवल मंत्रा काम नहीं करेगा। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं। एक सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल बहुत लोग देते हैं। जब वकार यूनिस साहब की बॉल सचिन तेंदुलकर के हेलमेट में घुसी और वो गिर गया नीचे, जैसे ही चोट लगी सचिन के माइंड में एक थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया होगा डेफिनेटली कि मेरे चोट लगी है और अब मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि खड़ों के खेलूं। लेकिन उन्हीं सचिन तेंदुलकर ने उस नेगेटिव वाइब को तोड़ा। अब वो नेगेटिव वाइब कैसे टूटी? उन्होंने कहा नहीं, मैं खेलेगा, और वो खड़े हुए और उसके बाद हिट करके बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम उन्होंने पहुंचाई। मुख्य बात ये है, इसका आप रिवर्स देखें। अगर यही सचिन तेंदुलकर अपनी साइकी को स्ट्रांग करके खड़े भी हो जाते और उसके बाद बोल्ड हो जाते, शॉट नहीं लगे होते, बोल्ड हो जाते, तो क्या होता? इमेजिन करके देखिए, क्या उस केस में थॉट मैनेजमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, लाइफ मैनेजमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, लाइफ को चेंज करने की जो बात कर रहा हूं, वो हो पाता? नहीं। मसला केवल और केवल अपनी साइकी को स्ट्रांग करने का नहीं है। मैंने कहा विचारों को पॉजिटिव करने के लिए, विचारों को मैनेज करने के लिए लाइफ का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और उसमें केवल और केवल अपनी साइको को स्ट्रांग करने वाली बात जो है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वहां पे एफर्ट लेवल भी उतना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज लेवल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्किल लेवल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो नावेद जी ओवर थिंकिंग होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ओवर थिंकिंग होगी। ओवर थिंकिंग इज ए नेगेटिव साइन। ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी को जन्म देती है। हम यहां थॉट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये थॉट मैनेज होगा ही नहीं जहां ओवर थिंकिंग होगी। तो उसको तोड़ने का तरीका है ज्ञान और अनुभव। साथ ही यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, क्या अनुभव जिंदगी को जीने से आता है? क्या जिंदगी को जीने से अनुभव आता है? आप कहते हैं फला व्यक्ति 70 वर्ष का है, उसे बहुत अनुभव है। किस चीज का? अगर उसे अनुभव ज्यादा है, अनुसर में आऊंगा इस पॉइंट पे भी, अगर अनुभव ज्यादा है तो कई मर्तबा बुजुर्ग बच्चों से राय क्यों लेते हैं, बच्चों से क्यों बातचीत करते हैं? अनुभव की टोपी हर किसी के सर में फिट नहीं, ये समझने वाली बात है। अनुभव का भी एक आधार है। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर मेरे पे अनुभव नहीं है तो मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर ही नहीं पाऊंगा, मैनेज कर ही नहीं पाऊंगा। फिर तो मैं जब एक्सपीरियंस हो जाऊंगा तो भी मैनेज कर पाऊंगा, एज में एक्सपीरियंस नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं हो सकता।
अनुभव किसे कहते हैं ये आपको आज समझना पड़ेगा। विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए, थॉट्स को मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस किसे कहते हैं जानना बेहद जरूरी है। साथियों, एक्सपीरियंस का अर्थ होता है, पहली बात तो एक्सपीरियंस इन व्हाट, ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लीजिए। एक्सपीरियंस इन व्हाट, इन एज, एज में एक्सपीरियंस हो गया, आप 70 साल के हैं तो आप तो एक्सपीरियंस हो गया, फिर एज की बात है तो विचारों में है क्या? मे बी इज नॉट। कुछ लोग मेंटली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ लोग फिजिकली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। पॉइंट इज कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, जब आप अपनी नॉलेज को डिफरेंट सिचुएशंस में, सिचुएशंस ऑफर्ड और क्रिएटेड बाय यू, समझ लें इसको आप, सिचुएशन ऑफर्ड बाय लाइफ और क्रिएट, आपकी क्रिएटेड है या आपको मिली है, आप नॉलेज को ट्रायल्ड एंड टेस्टेड करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। जॉब इंटरव्यू में मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट बदल करके मैं आपको बताऊंगा। जॉब इंटरव्यू में आपसे सवाल किया जाता है, आप एक्सपीरियंस नहीं है, और आपसे कहा जाता है आर यू एक्सपीरियंस्ड, और आप कहते हैं आई एम नॉट। तो पहली बात तो सोचने की यह है कि जब आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आपसे सवाल क्यों किया गया। ये सवाल इसलिए किया गया कि आपके लेवल ऑफ थिंकिंग को चेक करना है, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग लेवल यू हैव। आप कहते हैं एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस कौन सा वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस को आप ले रहे हो वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपोजर ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। मैं उस स्थान पे अगर हूंगा, अगर मुझसे सवाल किया जाएगा तो मैं उत्तर ही दूंगा कि सर आई डोंट हैव वर्किंग एक्सपीरियंस बट आई हैव एक्सपीरियंस। इट मींस व्हाट? आई डोंट हैव वर्किंग एक्सपीरियंस बट आई हैव एक्सपीरियंस, इसका मतलब यह है कि आई नो हाउ टू यूज माई नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन एंड दैट इज वाई आई हैव एक्सपीरियंस। दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज नीडेड कि हम जो पढ़ते हैं, हम जो समझते हैं, वो एक लाइफ में किस तरीके से हम सिचुएशंस में उसको पेश कर सकते हैं, वो चीज, वो सेंस हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं, तो देन वी कैन हैंडल द थॉट्स, विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा, आप सोचें कितनी ऐसी नेगेटिव वाइब्स हैं जो आपके थॉट्स को हिला देती, तमाम 50 नेगेटिव थॉट्स आपके पास आते हैं एंड यू एंड अप नोवेयर, समय बर्बाद और कुछ नहीं होता इसके अलावा, नेगेटिविटी पाइल अप होती चली जाती है और आप कुछ भी पॉजिटिव अपने अंदर नहीं ला पाते। Why this is happening? How this is happening? क्यों हो रहा है ऐसा? What is the reason behind? आपका lack of knowledge, आपका lack of experience, ये दो चीजें तो काम खराब कर रही हैं। आपने क्या साइकोलॉजिकली अपने अंदर फिट कर रखा है वो भी मैटर करता है। आप साइकोलॉजिकली आप कैसा सोच रहे हो उन सिचुएशंस के बारे में, इस पर डिपेंड करता है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बड़ा थॉट मैनेजमेंट की बात है तो थॉटफुल तो मुझे करना पड़ेगा आपको।
कितनी बार? उत्तर देंगे आप लोग, सभी लोग उत्तर देंगे, कितनी बार आपने ये सोचा, रियलाइज हुआ होगा आपको कि कभी कभी आपके अंदर ईगो आ जाती है। कितनी बार आपने ये सोचा कि आपके अंदर ईगो क्यों आती है, या किसी ने आपको विचार दिया कि यार आप ईगो पे ले लेते हो, आप यू आर ईगोइस्ट काइंड ऑफ पर्सन, या आपको हिंट मिला कहीं से भी, तो आपने कितनी बार ये सोचा कि वो फीलिंग मेरे अंदर क्यों आती है, व्हाई दैट फीलिंग कम्स इन मी? कितनी बार सोचा है? गुस्सा आता है, कितनी बार सोचा है गुस्सा क्यों आता है? कितनी बार सोचा है कि गुस्सा आने से क्या काम खराब होता है? फीलिंग ऑफ हेट्रेड है, व्हाई, क्यों है? मैं होपलेस हो जाता हूं, क्यों हो जाता हूं? सोचा कभी इन चीजों पे? हमने सोचना शुरू किया कभी कि हम होपलेस कब होते हैं, किन सिचुएशंस में होते हैं? कभी सोचा? ये चीजें हैं जो आप सोचे। मैं आपसे एक एक्टिविटी करने की दरखास्त करता हूं, आप सभी से, और सब करेंगे, एक डायरी या नोटबुक में आपको 10 पेजेस का इस्तेमाल करना है। हर पेज पे आपको अपना एक नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव से नेगेटिव थॉट क्रिएट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, कोई एक्स पर्सन है वो पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, उसके अंदर होपलेसनेस आ जाती है, तो आपको उस पेज पे टॉप पे लिख देना है होपलेसनेस, अगले पेज पे दूसरी नेगेटिव फीलिंग, अगले पेज पे फिर नेक्स्ट, ऐसे करके आपको अपनी वो नेगेटिव फीलिंग्स लिखनी है जिससे आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं और आपका टाइम भी खराब होता है और आप समझ नहीं पाते क्या करें। अब जब आप लिख लेंगे पांचों, चार पांच जो भी है, फिर आप समय निकालकर फुर्सत में, जब आप पे कोई भी किसी तरह का काम ना हो, आप मेंटली एकदम ठीक हो, बैलेंस हो आपका माइंड, फिर आप बैठ करके उसमें सोचिए कि मैं होपलेस क्यों होता हूं, नंबर वन, व्हाई आई बिकम होपलेस। मैं होपलेस इसलिए होता हूं क्योंकि सिचुएशंस, अभी आप सोच रहे हो, सोच अलग अलग हो जाती, क्योंकि मैं जो भी करता हूं उसमें फेल हो जाता हूं, लिख लिया आपने, इस वजह से। रीजन और भी हो सकते हैं, लेकिन माना आपने ये एक रीजन आइडेंटिफाई किया, क्यों का आंसर आपको ये मिला कि मैं बार बार फेल हो जाता हूं। ये बड़ा सभी बड़ी अच्छी एक्टिविटी है ये। अब आप सोचिए, अब आपकी जो फ्रंट प्रॉब्लम थी उसको हटा दीजिए। फ्रंट प्रॉब्लम क्या लिखी थी आपने? होपलेसनेस, उसको भूल जाइए। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या निकल के आ गई? क्योंकि मैं बार बार फेल हो जाता हूं। अब आप अपने से क्वेश्चन कीजिए कि मैं बार बार फेल क्यों हो जाता हूं? आपने सोचा, दिमाग लगाया, पूरा सोचिए ढंग से, हवा में बात नहीं, एकदम सोच के निकालिए चीजों को। मैं बार बार फेल हो जाता हूं, लेट मी थिंक, यू आर थिंकिंग। अब आप सोचते हो कि मैंने लास्ट टाइम ये एक्शन लिया था, ये काम किया था, एफर्ट तो पूरी की थी, हार्डवर्क तो पूरा किया था, चीजों को सिस्टम के साथ भी पेश किया था, वो सिस्टम इन वर्किंग, काम को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से किया था, फिर वहां पे क्या हुआ ऐसा? एंड यू कम अप विद एन आंसर कि वहां आप पे लैक ऑफ नॉलेज था। अब आपने लिखा लैक ऑफ नॉलेज, अब शुरू की दो प्रॉब्लम हटा दीजिए। पहली प्रॉब्लम क्या थी?
होपलेसनेस, और होपलेसनेस से आप किसके पास आ गए थे, होपलेसनेस से किसके पास आ गए थे, फेल होने पे, और फेल होने से आप आ गए लैक ऑफ नॉलेज। अब आप दिमाग लगाइए कि व्हाई डू यू हैव लैक ऑफ नॉलेज, मेरे पे लैक ऑफ नॉलेज उस सिचुएशन की क्यों थी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लैक ऑफ नॉलेज क्यों थी, सोचना शुरू किया। पढ़ाई तो की थी, सोचा तो था, सब ठीक था, लेकिन फिर भी लैक ऑफ नॉलेज क्यों रही, क्या था कारण, सिचुएशन तो मुझे पता है वो क्या है, अच्छे से काम भी कर, मैंने देखी भी है सिचुएशन, मैंने लोगों को रिएक्ट करते हुए देखा है, और मैंने सब कुछ ठीक किया, फिर फेल कैसे हो गया। हां मुझे डर लगा था, मैं डर गया था, और जब मैं डर गया था तो डरने से मैं जो जानता था वो भूल गया था। अब प्रॉब्लम आ गई फियर। ऐसे करके जब आप चलना शुरू करते हैं तो आप लास्ट मोमेंट पे उस पॉइंट पे आके रुक जाएंगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनती चली। साथ ही इस एक्टिविटी का आपने एक खास बात देखी, आपने प्रॉब्लम क्या थी और क्या निकली, मतलब लास्ट पॉइंट पे फियर पे आके आप अटके, और फियर की वजह से लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, यस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या हुआ, फेल, और फेल होने की वजह से होपलेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी दिस इज। हम इस तरीके से जब चिंतन मनन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम सीधे वहां पहुंचेंगे जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, फिर हमें उसका निदान करना होगा। अब एक सवाल हमसे किया गया यहां पर, आई थिंक हु वाज रेजिंग द क्वेश्चन, आई थिंक नावेद जी, हाउ टू मैनेज थॉट्स व्हाइल स्टडी, पढ़ते वक्त थॉट्स को कैसे मेंटेन किया जाए, ये अनुज जी का सवाल है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स आजकल पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थॉट्स को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी साइकी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। साइकी कैसे स्ट्रांग होगी, जैसे मैंने कहा कि जब आप अपने से बार बार स्वतः आप ये चीज कहना शुरू करेंगे कि आई कैन डू इट, 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 तो वो डेवलप होगी। दूसरा, कई बार क्या होता है, जो डर होता है, जैसा अभी हमने निकाला था उसके इस स्टडी में, डर बाद में निकला था, वो डर की वजह से हमारे जो थॉट्स हैं वो डगमगाते हैं। तो डर दूर करने के लिए यहां पर आपको, जब आप कोई डिफरेंट अप्रोच लगाते हैं ना किसी भी काम करने के लिए, अलग अलग अप्रोचेस के साथ उस काम की तरफ को जाते हैं ना, तो आपको वहां अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं, और जब अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं तो हमारा अप्रोच भी अलग हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे दें, एक सब्जेक्ट अपने अनुभव किया हुआ लाइफ में, जब एक्स टीचर पढ़ाता है तो टफ लगता है, और वही सब्जेक्ट जब वाई टीचर पढ़ाता है तो ईजी लगता है, ऐसा क्यों, उसके जो विचार हैं, उसकी जो सोच है, उसका जो पढ़ाने का तरीका है, वो आपके माइंड को हिट करता है, स्टूडेंट के माइंड। उसी तरीके से अगर स्टूडेंट भी इस सोच को अपने अंदर रखेंगे, आज की तारीख में स्टडीज के मामले में आसानी से पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन किया जा सकता है। आप एक टॉपिक पे 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को भी सुन सकते हैं,
ये फैसिलिटी आज के टाइम आपके पास है। आपको एक टॉपिक नहीं आता है, वेरियस ऑप्शंस आते हैं यूट्यूब पे, आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। इससे पहले वो थॉट इतना बड़ा शेप ले ले, अलार्मिंग शेप ले ले, आप उसको पहले ही उसकी जड़ें काट दो कि मैं इस समय ये काम करूं। साथियों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अगर उसके बाद भी अगर आपसे ये हैंडलिंग नहीं होती है, तो आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को फिल करती हैं। नौशाद यहां पर है, नौशाद से मेरा सवाल है, कितनी बार ऐसा हुआ होगा नौशाद आपकी लाइफ में कि आप कभी किसी संकट में, परेशानी में जब आए होंगे, और जब वो संकट परेशानी आपके नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रही होगी, क्रिएट होने से पहले, इससे पहले कि वो नेगेटिव वाइब आपको हावी हो जाए और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स को उत्पन्न करे, उससे पहले आपके मुंह से एक स्टेटमेंट निकला होगा, अरे यार अल्लाह है तो ऊपर वाला, खुदा है यार, खुदा मालिक है, खुदा मालिक है। नेगेटिविटी गॉन, खत्म, फिनिश्ड। द मोमेंट यू से अल्लाह है, अब आपके पास थॉट्स कौन से क्रिएट होना शुरू हो गए, अल्लाह है। जब आपने जैसे ये बात कही ना, नेगेटिव सिचुएशन आई और आपने जैसे ही कहा ऊपर वाला है, गॉड इज विद मी, तो कैसे थॉट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे फिर पॉजिटिव हो जाएगा। वी विल डू इट, नथिंग टू वरी, चलता है ये सब, कर लेंगे। दीज आर पॉजिटिव थॉट्स। ये आए किस वजह से, आपने जो एक स्टेटमेंट बोला ऊपर वाला है, उससे आए। साथियों, मैं ये मानता हूं कि आप रिलीजियस हो या ना हो, स्पिरिचुअल जरूर हो, स्पिरिचुअल। रिलीजियस होने के लिए धर्म में कर्मकांड करने होते हैं, नमाज अदा करना, मंदिर जाना, व्रत रखना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि जब आप अंदर से महसूस करते हैं कि मेरे दिल में खुदा है, मेरे दिल में भगवान है, मेरा दिल एक मंदिर है, ये सोच पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी को लाएगी। और जब ये पॉजिटिविटी आप में आएगी, तो आपके लिए बहुत चीजें अच्छी होंगी। पॉजिटिव लोगों के बीच खाकर पॉजिटिव सोचकर, अब देखिए खाना खाने का भी एक कारण, हम जो लेते हैं अंदर, उसे लेने का तरीका भी हमारा अलग होना चाहिए, उससे भी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो कैसे, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं आप, डज नॉट मैटर, आपको भोजन दे कौन रहा है, ऊपर वाला। हर रिलीजन ये बताता है, पेट भरने के लिए हमारी कोई औकात नहीं है कि हम पेट भर लें। आज मैं अगर आपसे कहूं, मैंने आपको ये सब सिखाया, मैंने कुछ नहीं सिखाया है, मेरे अंदर ना जाने कितने लोगों का ज्ञान भरा हुआ है, मेरे ब्लड में कितने लोगों ने मुझे सिखाया है,
वो सब एक साथ यहां पर आ रहे हैं, सामने दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मेरे रूप में आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस मेरा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस बहुत लोगों की देन है, बहुत लोगों की देन है। तो आप जब ये कहते हैं कि ईश्वर मेरे पास है, आप कैसे अपने इस एटीट्यूड को फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव कैसे होंगे, पॉजिटिव कैसे सोचेंगे, पॉजिटिव कर्मा कैसे करेंगे, पॉजिटिव अप्रोच कैसे बनाएंगे। अप्रोच पहले है, एटीट्यूड तो बनेगा। मैं जब भोजन लेता हूं, ठीक है, कम्युनिटी के हिसाब से कुछ लोग हाथ जोड़ लेते हैं, एक सिर्फ विचार अपने माइंड में लाइए, हाथ जोड़िए नहीं जोड़िए ये अलग बात है, अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्रिया आज भोजन नसीब कराया, खाना खाने से पहले एक पॉजिटिव थॉट, उस पॉजिटिव थॉट के साथ हम भोजन ले रहे हैं, पानी पिया, ऊपर वाले तेरा शुक्रिया पानी नसीब है, एक थॉट क्रिएट किया, ये थॉट आपके पानी को अमृत बना देगा, ये थॉट आपके भोजन में पॉजिटिविटी को मिला देगा, वाइब्रेशन साथियों हवा में पानी में आप पढ़े और डिटेल में तो जानेंगे, हवा में पानी में हर चीज में होती है, और ये तो अब साइंस भी प्रूव करती है, पानी में भी वाइब्रेशंस हैं, हवा में भी वाइब्रेशन है, आग में भी वाइब्रेशन है, हम जो सांस लेते हैं इसमें भी वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस हर जगह हैं, और वाइब्रेशन दो ही तरीके की, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अलग अलग इमोशंस को दावत देती है, इमोशंस को क्रिएट करती है। तो यदि हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ कोई चीज करने लग जाएंगे तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैंने कहा भोजन लेते वक्त एक प्रार्थना अंदर ही करें कि ऊपर वाले आपने हमें भोजन दिया, धन्यवाद, इस भोजन को आप मेरे से पहले आप स्वीकार करें, नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट, पॉजिटिव थॉट क्रिएट हो रहा है। इस तरीके की पॉजिटिविटी आपको लाने के लिए सब चीजें करनी होती हैं। अब इसमें एक कुछ चीजें और हैं जो बहुत जरूरी हैं समझना, कि आप कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव करेंगे। मैंने कहा आप रिलीजियस भले हो या ना हो, आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि गॉड इज इनसाइड मी। बस जब ये फीलिंग आपके अंदर होगी तो वो आपको एक पॉजिटिव फोर्स देती जाएगी, पॉजिटिव आपको मिलता चला जाएगा उससे, और जहां आपने कह दिया कोई नहीं है गॉड, खत्म, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आप जब भी कुछ करें पॉजिटिव होने के लिए अपने आप से बात करें, ऊपर वाले को याद करें, स्पिरिचुअल एटीट्यूड अपना रखें, तो आप पॉजिटिव डेफिनेटली होंगे। साथ ही यहां पर कुछ चीजें और भी हैं जो मुझे बतानी है आपको। एक तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि हम प्रतिक्रिया देने में बहुत जल्दी करते हैं। आप मुझे इतने दिनों से सुन रहे हैं और आपने एक चीज नोटिस की होगी बहुत अच्छे से, कि अभी भी आप नोटिस कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे, कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो पॉजेस के साथ बोल रहा हूं। इसका मतलब मैं जब विचारों को उत्पन्न कर रहा हूं और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तो विचारों
का उत्पन्न होना और आपके समक्ष रखना, इसके बीच में एक चीज और है, वो है थॉटफुलनेस। मैं जो सोच रहा हूं वो रखने से पहले उसको टेस्ट भी कर रहा हूं कि मुझे यही कहना है या कुछ और कहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम अपने विचारों से ही, अपनी बातों से ही, अपने कम्युनिकेशन से ही अपने को नेगेटिव कर लेते हैं कई बार, और कई बार पॉजिटिव भी कर लेते हैं। और मैंने इसके उदाहरण आपको कई मरतबा पिछले सेशन में, आई थिंक कम्युनिकेशन की जब बात हो रही थी तो मैंने ये उदाहरण दिया था आपको कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करना होता है और हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, और फिर हम उसको नहीं करते, और उसके बाद जब दूसरे व्यक्ति उस काम को कर लेता है और वो करके जब आपके सामने आता है तो आप कहते हैं अरे ये तो मैं कर लेता, तो मेरे लिए बड़ा आसान था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपना जो मुंह खोला, जो बात कही, वो सोच समझ के नहीं कही। कभी भी अपने आप से ना कहना हो तो दिमाग लगा लेना कि ना कब कहना है, सोच लेना ना कब कहना है। द मोमेंट यू से आई कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर पाओगे। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आई विल, बस दो ही बातें होनी है, उसका रिजल्ट या तो फेवर में आना है या फेवर में नहीं आना है। हालांकि वो एक्शन आपका प्योर होना चाहिए, ये एक अलग बात है, एक्शन आपका ट्रैक वाला होना चाहिए, ये एक अलग बात है, बट सोच दो ही, या तो होगा या नहीं होगा, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। लेट मी ट्राई, कौन सी चीजें आप ट्राई नहीं कर रहे? नेगेटिव होने के रीजंस और भी बहुत सारे हैं। हम देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप रेस्टोरेंट में गए, वेटर आपके पास आया, जी मैम क्या क्या मिलेगा? मैम ये मीन्यू, मीनू मुझे नहीं पढ़ना, आप बताओ क्या क्या मिल जाएगा। उन्होंने कोफ्ता है, दाल है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, 85 डिश उसने सुना दी। आपने कहा वो एक काम करो, पनीर ले आओ और दाल मखनी ले आओ। ठीक है, वो ले आया। आपने बाकी डिशेस क्यों नहीं ली, बाकी और कोई डिश ऑर्डर क्यों नहीं करी, आपने पनीर और दाल मखनी क्यों ऑर्डर किया? क्या आंसर है आपका? आप कहोगे इट इज माय चॉइस, आई लाइक इट। उसी तरीके से आपने बाकी चीजों का अनादर नहीं किया, आपने वहां ये नहीं कहा कि कोफ्ता बुरा होता है, ये नहीं कहा आपने, अरहर की दाल अच्छी नहीं होती है, आलू बढ़िया नहीं होता, आपने ये सब कुछ वहां नहीं कहा है। आपने कहा भैया मुझे ये मेरा आइटम ला दो, मुझे तो ये खाना है, दाल खाना है, दाल मखनी खानी है और पनीर खाना है, ये आपने मांगी, किसी को मना नहीं, आपने अपनी चॉइस रख दी वहां। लाइफ के साथ भी ऐसा ही है, जैसे आप खाने में सेलेक्टिव है ना, वैसे ही आपको विचारों को जब लेना है, इनटेक करना है, उसमें भी आपको सेलेक्टिव होना है। आपको हर तरीके के विचार मिल जाएंगे, राम आपको दाल वाला विचार दे रहा है और श्याम आपको चने वाला विचार दे रहा है, आपको लेना कौन सा है? जो आपको पसंद है, पसंद क्या, नेगेटिव पॉजिटिव? पसंद आपको पॉजिटिव है, तो अब कोई आपके जबरदस्ती मुंह में कह देगा लोग नहीं नहीं साहब चना खाना पड़ेगा आपको? नॉट लाइक दैट। आपका जो मन है, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है कि आप पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे विचारों को। अब यहां बात यह आती है कि कोई व्यक्ति अगर कोई नेगेटिव बात आपसे करता है, बार बार आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है,
तो आप क्या करें? बोला नहीं चने खा लो जबरदस्ती, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ठीक है लाओ जरा दो चने दो लो रखो इसमें, क्योंकि वो बार बार कह रहा है, आप उसका अनादर नहीं करना चाहते, लेकिन आपको लगता है ये चना आपका पेट खराब कर देगा, आप प्लेट में ले लेंगे थोड़ा सा चना ला दे दीजिए, लाइए सर्व कर दीजिए, और फिर उस चने की चने को आप ग्रहण करेंगे, लेंगे थोड़ा सा एक चम्मच, और फिर लेने के बाद आप जो है उसको सिर्फ इस वजह से लेंगे कि आपने सिर्फ लेना है उसे, बस ये नहीं कि आपको एंजॉय करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, एक कान से सुनो, ये आदमी एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। सेम थ्योरी अप्लाई करें नेगेटिव वाइब्स के लिए, एक कान से सुने पॉजिटिव को अंदर ले जाए। आपको पता लग गया मेरा ये एक्स फ्रेंड, ये मेरा वाइफ फ्रेंड नेगेटिव बातें करता है, उसके साथ रह के दो चार पांच बार आपको पता लग जाता है कि दैट पर्सन इज नेगेटिव, ठीक है झगड़ा मत कीजिए, आपके सामने खड़ा है, सुनिए एक कान से दूसरे कान से निकाल दीजिए, उसको आत्मसात मत कीजिए। जब वाइब्रेशंस को हम अंदर लेके जाते हैं तब वो थिंकिंग में डेवलप होती है, परसेप्शन की लेयर्स बन जाती है, और फिर वो एक एटीट्यूड फॉर्म करती है जो नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको पॉजिटिविटी को लाने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत है। मैंने कहा था आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। आपको दूसरे ने नेगेटिव किया लेकिन आप नहीं हुए ना, क्यों नहीं हुए? अलर्टनेस की वजह से। आपने एक एटीट्यूड फॉर्म किया फॉर दैट पर्सन, दैट पर्सन ऑलवेज टॉक्स नेगेटिव, तो आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू हिम, आई एम गोइंग टू हियर हिम। मैं उस देखो हियरिंग और लिसनिंग में फर्क होता है ना, आप लिसनिंग किसके साथ करें जो पॉजिटिव है, हियरिंग किसके साथ करें जो नेगेटिव है। दैट्स इट, एक कान से सुने दूसरे कान से बाहर निकाल दें। लिसनिंग आप वहां करें जहां पॉजिटिव वाइब्स है। अपने को स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप अपने काम को नियमित रूप से करेंगे तो आप पे वर्क प्रेशर कभी नहीं आएगा, नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। अपने काम को समय पे करें, कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, ये जो गीता का उपदेश है ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अगर हम अपने काम को नियमित रूप से कर रहे हैं, अपने सपनों को देखकर उन्हें पूरा करने का मैप बनाकर उसको फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेस से बहुत दूर चले जाएंगे, स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर हम पे किसी काम को करने के, हम कोई काम करना चाहते हैं उसके हम पे प्लान होना चाहिए, प्लान ए बी सी, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, स्ट्रेस फ्री। हम एक ही फॉर्मूला लेके गए और वो फॉर्मूला बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड कुछ और हो गया, डाउन। अगर हम पे प्लान ए बी सी डी है, हम पे चार प्लान बने हुए, तो हम मालूम है एक नहीं होगा तो दूसरा फॉलो कर लेंगे, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा कर लेंगे, तीसरा नहीं होगा तो चौथा कर लेंगे, स्ट्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रेस हमारे थॉट्स को हिलाएगा, थॉट्स को मैनेज करने के लिए लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा। मैंने अभी आपसे कहा
मेडिटेशन में हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ जरूर करें, क्योंकि उससे एक सेंस डेवलप होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम सही और गलत की पहचान जो है वो उसी से करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू हमें पता लगता है कि हम सही हैं या गलत हैं, ये हमें सेंस क्रिएट होता है। स्पिरिचुअल एटीट्यूड, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सेंस होना कि मेरे अंदर भगवान है, ये भी हमें बल देता है, ताकत देता है, हमको पॉजिटिव करता है। और पॉजिटिव लोगों के बीच रहे, ऐसे लोगों के बीच रहे जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, नेगेटिव लोगों से अलर्ट रहे, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहे। फॉर्मूला याद रखिए, नेगेटिव लोगों से अलर्ट रहे, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहे, तो उनकी पॉजिटिव वाइब्स आप में ट्रांसफर होंगी। बहुत सारे एग्जांपल हैं, नौशाद भाई यहां पर हैं, मैं नौशाद भाई ये सिर्फ मतलब कम्युनिटी का मैटर नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि मेरे पास तो एग्जांपल बहुत सारे ऐसे हैं। हम पैर छूते हैं, ये जो कंसेप्ट है वो क्या है, एनर्जी को टेक करने का, एनर्जी को लेने का है, कि उस पर्सन की एनर्जी, बड़े का ब्लेसिंग्स, बड़े का एक्सपीरियंस हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाए। अब नमाज पढ़ते हैं, सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं, ये प्रार्थना तो है, इबादत तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें एक इल्म भी देती है। वो इल्म क्या है, वो इल्म ये है कि जब खुदा के सामने हम सजदा करते हैं तो हमारे अंदर ये इल्म आता है कि एक शक्ति है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, एक शक्ति है जो हमें बल दे रही है, ताकत दे रही है। हम रोजा रखते हैं, हम व्रत रखते हैं, व्रत रखने से, रोजा रखने से क्या होता है, एक सेंस क्रिएट होता है, वो सेंस ही क्रिएट होता है कि स्ट्रेस नहीं है हमारी लाइफ में। जब हम रोजा रखते हैं या व्रत रखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो सब नेगेटिव चीजें होती हैं, या हम कहते हैं हम ये नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा रोजा है, आज हमारा व्रत है, तो हमें वो चेक करने वाली ताकत कौन सी है जो नेगेटिव फोर्स से चेक कर रही है, वो स्पिरिचुअल पावर है, ये सेंस हमारे अंदर। तो ऐसे भाव भाव उत्पन्न करना, पॉजिटिविटी के भाव उत्पन्न करना, ये एक बात है, वो फीलिंग्स अपने अंदर लाना। बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं ऐसी पॉजिटिव फीलिंग्स लाने के लिए। एक एक्टिविटी है, मैंने कई बार सजेस्ट की है बहुत लोगों को, कि आप रोज एक पर्सन की हेल्प करें, किसी की भी जो बेचारा परेशान है उसकी हेल्प करें, और उसके बारे में लिखें डायरी। आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या फीलिंग आपके अंदर उससे आई, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, वो अपने एक्सपीरियंसेस लिखें। इससे आपके अंदर एक सेंस क्रिएट होगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं ये सेंस क्रिएट होने से अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचारों से अच्छा ही होगा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज आप करें, अच्छे काम करें, उन चीजों को बनाएं। आप एक कम्युनिटी बना लें, कुछ लोगों का ग्रुप बना लें, टीम बना लें, कुछ अच्छे काम करें। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपका हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूँ। सोशल प्रोजेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं जिसमें हमारे अंदर कुछ अच्छी फीलिंग्स डेवलप हों, अच्छे इमोशंस आएँ, अच्छी बातें आएँ, तो और फिर अल्टीमेटली हमारी लाइफ अच्छी। तो ये सारी चीज़ें साथियों आप कर सकते हैं। और मैंने एक एक्टिविटी कुछ लोगों को दी, अपने साथियों को जो मेरे साथ हैं, और उस एक्टिविटी का नाम है, मैं आप बाकी लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ जो लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं, जो जिनको नहीं पता है एक्टिविटी का, उसका मैंने टाइटल दिया है प्रेज चैलेंज। प्रेज चैलेंज यानी आपको अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, क्योंकि पर्सनली तो हम करते हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड में किसी एक पर्सन की तारीफ करनी है, उसके बारे में कुछ अच्छा लिखना, जेन्युइन, फर्जी नहीं, जेन्युइन तारीफ करनी है, जो एक्चुअल में आप फील करते हैं। उस पर्सन को पिक कीजिए, उसके बारे में जो अच्छा लगता है आपको, वो आप अपने फेसबुक
फिर पोस्ट बना के उसका और उस पर्सन को टैग कीजिए. दिस इज मोटिवेशनल एक्टिविटी. इससे लोगों को कॉन्फिडेंस, इससे लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे अंदर ये, क्योंकि हम एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि हम क्या हैं. तो इसको जानने के लिए ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं. इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें करिए आप, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पड़े, आप अपने को मोटिवेट कर सकें, अपने को इंस्पायर कर सकें. और जब ऐसा होगा तो आपके विचार पॉजिटिव होंगे और आप पॉजिटिविटी की बात करेंगे. स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे पॉजिटिव.